नोट के माजी आमदार प्रदीप नाइक आने वाले विधानसभा में कमर कस ली है। गांव के खेड़े पाड़े वो लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं। आज किनवट के तेली बिरादरी की एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें गांव के करीब तेली बिरादरी के लोग आए थे। इस मीटिंग में सब ने प्रदीप नाइक को कहा, प्रदीप नाइक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आने वाले विधानसभा में माजी आमदार प्रदीप नाइक को जीतने से कोई नहीं रोकेगा, ऐसा हर तरफ किनवट की जनता कह रही है। किनवट की जनता ने कहा कि पिछले 15 सालों से किनवट में मटका बाजा, पत्तों के क्लब कहीं नहीं थे, मगर इन 6 सालों में किनवट वो माहौर तालुके में हर गली में वो चौराहे पे मटका बाजा खुलेआम चालू है, पत्ते के क्लब बहुत चालू है, मगर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, ऐसा किनवट में हर तरफ लोगों से सुनाई दे रहा है। फिर एक बार किनवट की जनता ये कह रही है कि माजी आमदार प्रदीप नाइक की याद आई और अपनी गलती को मानकर फिर एक बार प्रदीप नाइक को आमदार बनाने के लिए किनवट की जनता कह रही है। प्रदीप नाइक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आज किनवट के तेली बिरादरी ने माजी आमदार प्रदीप नाइक को पाठिंबा दिया है। किनवट माहौर में माजी आमदार प्रदीप नाइक का दौरा हर रोज कर रहे हैं और लोगों से मिलकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस आने वाले विधानसभा में फिर एक बार सेवा करने का मौका दो। लेकिन अब आने वाले विधानसभा में किसकी किस्मत चमकेगी, यह आने वाला विधानसभा बताएगा। देखते रहिए आज की न्यूज़। हमारे नसीर भाई पावर है, एक आवाज तो मैं छोटा हूँ ये नहीं बोले तो छोटा है, काम कर रहा हूँ। ये खुशी हुई कि बिरादरी को जोड़ने के लिए खुद ही अपना बच्चा आगे बढ़ा। तो ये लोग साहब जो आए वाले हैं, ये पक्ष वगैरह का कार्यक्रम नहीं, आपके मोहब्बत में जुड़े वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप लेके चलो, मैं तो इस तरह से जुड़े वाला हूँ। मैं ऐसा लोगों को मिलके भी नहीं मिला, घरों पे भी नहीं गया। हमारे उस्मान मामा भाटी रात में 9 बजे फोन लगाया, घर पे आराम कर रहे थे। मैं बोला मामा साहब आ रहे, आना पड़ता बिल्कुल भांजे एक अवस्था आता। तो ये पूरे जो लोग हैं ना साहब, ये कोई लालच से नहीं जुड़े, कोई पैसे दे के नहीं बुलाए, कोई चाय का मोहताज नहीं। एक फोन लगाया हमें, ये बिरादरी की मौका दे साहब, और बिरादरी पे हमारी इतनी यूनिटी है साहब। एक टाइम था किनवट शहर का राजकरण हमारी बिरादरी के बगैर चलता नहीं था, और अगर आज हम ठान लिए ना साहब तो आज भी हमारे बिरादरी के बगैर पत्ता नहीं हिलता यहाँ। मटके जुगाड़ के माध्यम से 250 बच्चे अब तक चले गए किनवट में। दिवाली के पहले दो बच्चे वो डिप्रेशन में आ गए, दिवाली के वैसा बैठे रहना गिटे रहना बात है। एक तो ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत का माल हार गया, बैठना बंद कर दिया। मैं अभी बोला ऐसा नहीं, अभी तुम 55 साल के ही है, अभी तो ये आया था मेरे साथ में अब्दुल था, ऐसा थोड़े से किनवट में पहचानत वाले लोग, इस्लापुर बोधड़ी गिसरी इधर उधर भी कोई पहचानते नहीं थे, खाली वो मांडवी भाग में थोड़ा पहचानत थी। 99 में खुद 2000 के खरीब खरीब वोटों से मैं गिर गया। गिरने के बाद एक एक करोड़ रुपए कमाने का धंधा बंद हुआ, बंद कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बोलते, कमीशन के धंधे में मैं खुद रहना पड़ता, नहीं तो नहीं चलता। और उस टाइम पे घर 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 सब लोगों को एक करा, हजारों बार भैया को मिला, सबको मिला, अपने फ्रूट की दुकान के सामने होटल है अमन की होटल, ऐसा बैठ बैठ के और ऐसे ही पूरे दोनों तालुके में हर समाज के लोगों को साथ में लेके 2004 में खड़े रहा। फिर भी कुछ अलग लोग उस टाइम पे धर्म सिंह को खड़े रख दिए, कोटा डिवाइड होने को कुछ कुछ नाटक हुए, फिर भी आप लोगों का सबकी ताकत मेरे साथ में थी।
आने वाले टाइम में भी अपने साथ रहेंगे, आप लोग उनके साथ करेंगे, ऐसा बोलते हुए मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए कहता हूँ।